Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2023-24 सेशन के लिए. इस वीडियो में आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी. हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन MPH का जो कोर्स होता है उसके बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताया जाएगा. और यहाँ पे मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ. एडमिशन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, तो इसमें जो टाइमलाइन है 2023-24 एडमिशन्स के लिए, ये वेबसाइट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड हो चुकी है. तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताई जा रही है इसमें. ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए टाइमलाइन है. PG एडमिशन टाइमलाइन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, सीरियल नंबर है, इवेंट डेट्स, अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एडमिशन के लिए, ये हुआ है 14 December 2022 में. लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 15 January 2023. तो 15 January 2023 लास्ट डेट है. और इसमें जो TISS नेशनल एंट्रेंस टेस्ट TISNET कंप्यूटर बेस्ड एट डिफरेंट सेंटर स्टेज वन पे जो होना है ये between 28 January 2023 to 28 February 2023, 28 February 2023 के बीच में स्टेज वन का एग्जाम होना है. अब यहाँ पे इसमें जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. इसमें PG प्रोग्राम्स में जा रहे हैं और यहाँ पे ये जो कोर्स होता है ये इनके मुंबई कैंपस में होता है. यहाँ पे इनके चार कैंपस है, मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी. तो मुंबई कैंपस में यहाँ पे स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज मुंबई कैंपस, इसमें जो स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज मुंबई कैंपस में जो कोर्सेज हैं इसके बारे में है. यहाँ पे मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस MPH HPEF, और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशल इपिडमोलॉजी MPH SE. तो इसमें मैं आपको मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में जो डिटेल्स हैं ये बता रहा हूँ. तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PG प्रोग्राम मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. लोकेशन मुंबई में ये कोर्स है. स्कूल है स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज स्कूल का नाम है. इनटेक 39 सीट्स है यहाँ पे. और डिस्क्रिप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक कर सकते हैं. लास्ट डेट 15 January है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में. TISS इज अ पायनियर इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम इन द कंट्री एंड कंटिन्यूस टू रिमेन एज एन इनोवेटर इन करिकुलम एंड डिलीवरी. तो द मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम MPH HA डेवलप्स प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द हेल्थ सर्विसेज सेक्टर. तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है MPH HA मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का, प्रोफेशनल मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना हेल्थ सर्विस सेक्टर के लिए. द हेल्थ सर्विस सेक्टर हैज ग्रोन इनॉर्मसली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स इन अ हाईली डिवर्सिफाइड मैनर. तो जो हेल्थ सर्विस सेक्टर है ये काफ़ी इनॉर्मसली ह्यूज तरीके से ग्रो हुआ है पिछले कुछ डिकेट्स में. द गवर्नमेंट सेक्टर इन प्राइमरी केयर एंड इन हॉस्पिटल्स, द नॉट फॉर प्रॉफिट और वॉलंटरी सेक्टर इन हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स नीड कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एनालिटिक्स. तो इस सेक्टर को जो कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स और एनालिटिक्स की आवश्यकता है
This sector is likely to grow even further in the coming years, providing employment to a significant proportion of the workforce. तो ये जो सेक्टर है इसकी उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही ग्रो करेगा. दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स टॉट कोर्सेज, 3 इंटर्नशिप एंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट. तो ये जो प्रोग्राम है इसमें टॉट कोर्सेज हैं, 3 इंटर्नशिप है और एक रिसर्च प्रोजेक्ट है. द प्रोग्राम इज डिजाइन टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 ईयर्स. तो 2 साल के लिए प्रोग्राम है. बट हैज अ प्रोविजन टू कम्प्लीट ओवर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 2 ईयर्स का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक इसे कंप्लीट कर सकते हैं. ग्रेजुएट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन ऑफर्ड मैनेजरियल पोजिशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स. तो इस प्रोग्राम के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मैनेजरियल पोजिशंस ऑफर हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट्स में, बोथ इन गवर्नमेंट एंड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. गवर्नमेंट और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सम ऑप्ट टू वर्क विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम. तो कुछ ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं काम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स के साथ. द स्किल दे एक्वायर इंक्लूड द टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स. तो जो स्किल उसमें आवश्यकता होती है उसमें इंक्लूड होता है टेक्निकल स्किल जो रिक्वायर है डिजाइनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन में हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स को. एंड द पीपल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन एंड लीडिंग अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स. और इसमें पीपल स्किल्स की रिक्वायर है जो वर्क करें और लीड करें प्रोफेशनल्स की टीम को. इट ऑल्सो ओरियंट्स द स्टूडेंट टू मैक्रो इश्यूज रिलीवेंट टू हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग इन द कंट्री. तो ये स्टूडेंट्स को ओरियंट्स करता है मैक्रो इश्यूज में जो कि हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कंट्री के. इन द पास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन एम्प्लॉयड बाय की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर. तो पास्ट में जो ये एम्प्लॉयड किए गए हैं इस प्रोग्राम्स के लिए जो की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC और स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्टेट हेल्थ सोसाइटीज एंड मेडर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज केयर इंडिया. तो इसमें जो एम्प्लॉयर के नाम दे रखे हैं केयर इंडिया, कैथोलिक रिलीफ सर्विस एंड आगा खान हेल्थ सर्विसेज इंडिया. सम आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन टू UN ऑर्गेनाइजेशन. कुछ के UN ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है जैसे कि UNFPA एंड इंटरनेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक. और इंटरनेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट में जो कि सपोर्टेड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WHO एंड DFID. इन रिसेंट ईयर्स दे आर ऑल्सो फाइंडिंग पोजिशन इन द IT एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर. और इनकी IT और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसमें एम्प्लॉयर इनको जॉब दे रहे हैं. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट आवर्स है, ईयर डिटेल्ड क्रेडिट. तो यहाँ पे जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है क्या क्या यहाँ पे जो कोर्सेज में कवर होता है. तो ईयर फर्स्ट के कोर्सेज हैं, सेकेंड ईयर के टोटल क्रेडिट 78 है. सेमेस्टर वाइज कोर्सेज, सेमेस्टर कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट्स. तो ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर, देन सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर. और यहाँ पे नोट है द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स लिस्ट ऑफ CBCS कोर्सेज एंड सेमेस्टर वाइज लिस्टिंग ऑफ कोर्सेज प्रोविजनल, दे में अंडरगो सम चेंजेस. इसके बाद यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो फीस है इसके बारे में जानकारी है. तो यहाँ पे जो टोटल जो कोर्स की फीस है ये है 1,49,000. 2 ईयर्स की जो फीस है 1,49,000 है. एंड इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिवाइज द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इफ नेसेसरी. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रैक्टिकम, स्टडी टूर, रूरल फील्ड वर्क, अर्बन फील्ड वर्क, विंटर इंस्टीट्यूट इफ एनी विल हैव टू बी मेट बाय स्टूडेंट देमसेल्फ्स एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी. नो फी कंसेशन इज अवेलेबल फॉर सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम्स.
इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिवाइज द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी, और यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट पे ही क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और इसके में जो प्रोग्राम्स होते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताया गया है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, TISS, एम्स, निमहांस, जिपमेर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, IIPH, ICMR और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।